Hello everyone, this is Manchi from evithanti.in. Now we are starting with question number 4, exercise 1.1. So in this question we have insert comma suitable and write the name according to international system of numeration. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसके number name लिखने या commas insert करने है वो international system of numeration से करना है. This means अगर मुझे यहाँ पे comma put करने है तो पीछे से हम start करेंगे तीन digit से पहले, अगेन 1 2 3 थ्री डिजिट से पहले, राइट. सो यहाँ पे दो कॉमास आएंगे. अब हमें इनके नेम्स लिखने हैं. रिमेम्बर लिखने कैसे हैं हमें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से. सो दिस मींस सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टू लेटर्स कौन से हैं, नंबर्स कौन से हैं, 78 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं. 6 डिजिट्स किस में होती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, मिलियन में. सो दिस विल बिकम 78 million. अब नेक्स्ट अगर हम आए तो हमारे पास है 921, मीन्स 921 आगे 1 2 3 डिजिट्स. तो थ्री डिजिट्स किस में होती है, 1000 में. सो दिस विल बी रिटन एज 921,000. सो एंड देन वी हैव 92. सो आगे लिख देंगे हम 92. सो हमारे पास आ गया 78,921,092. ओके, सो दिस वॉज द ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the B part. B part में the number is 7452283. अब यहाँ पे सबसे पहले हम commas लगाते हैं, three digits से पहले, then again three digits से पहले. Now the first number we have is 7. 7 के बाद कितनी digits है, 1 2 3 4 5 6. तो 7 के बाद 6 digits है. 6 digits होती है million में. So we write it as 7 million. नेक्स्ट वी हैव 452. अब 452 के आगे कितनी डिजिट्स है, 1 2 1 3. सो ये हो जाएगा 452,000. थाउजेंड क्यों, बिकॉज आगे तीन डिजिट और है, ठीक है. आफ्टर दिस लास्ट वाले पे आते हैं, वी हैव 283. So we write 7,452,283. So this will be 283. Okay, so this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में हमारे पास है 9,9,9,8,5,1,0. सो अगेन यहाँ पे हम कॉमास लगाते हैं पहले. सो थ्री डिजिट से पहले, अगेन थ्री डिजिट से पहले. सो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है दैट इज 99 के बाद वी हैव 6 डिजिट्स और 6 जीरोस हमारे पास होते हैं मिलियन में. सो दिस विल बिकम 99 million. नेक्स्ट वी हैव 985 के बाद तीन डिजिट्स और हैं. दिस मींस दिस विल बी 985,000. सो And then we have 102. So 99,985,102. So this was part number C. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part mein hai 480,498,31. Again, सबसे पहले हम commas put करेंगे. So three digits से पहले comma. Then again three digits से पहले कॉमा. सो सबसे पहले जो दो नंबर्स है वो है
48. Now 48 ke baad we have 6 digits. So 6 digits means this is million. So my pass ho jayega 48 million. Next we have 049. So this will be considered as 49. So 49 ke baad 3 digits hai. So 49,000. Then we have 831. So we just simply write it as 831. Okay, so this was the last part of this question. Now let's come to the next question.